हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज ये 2 फुट का कूलर है, इसकी मोटर चेंज करते हैं, ये आपको बताते हैं। ये देखो, इसके तीनों साइड में निकाल कर रख दिया हो, इसकी घास भी बदली कर देंगे। और ये मोटर निकालना आपको बताते हैं, और मोटर कैसे चेंज करते हैं। देखो, इसका सेंटर का नट पहले ये खोल लेना पड़ता है। ये सेंटर का नट खोल लिए, इसके बाद में इसको निकाल लेते हैं। ये देखो, ये बहुत कुछ कुछ जाम रहता है, ये सब जंग लगा हुआ रहता है, उस पर निकलता नहीं है, किसी को काटना पड़ता है ग्राइंडर से। ये खुल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको काटना पड़ेगा। देखो, ये खुल रहा है, इसको खोल लेते हैं। ये मैं खोल लिया उसका नट, और इसको निकाल लेते हैं अभी बाहर। देखो, अभी ये मोटर मैं इसको निकाल लेता हूँ, कनेक्शन इसका काट लेता हूँ। ये मोटर का कनेक्शन है, इसको निकाल के साइड में कर देता हूँ। मैं पंप का कनेक्शन ऑलरेडी काट चुका, इसका निकाल लिया हूँ। ये आपको इजी तरीके से निकल जाएगा। ये ब्लेड भी इसका निकालते हैं, ज़्यादातर तो ये निकलता नहीं है, क्योंकि खार जम जाता है और पानी का रहता है, इसलिए निकलता नहीं है। देखो, इसको इसमें एक सेंटर में एक नट आता है, उसका स्क्रू आता है, उसको खोलना पड़ता है, वो नहीं खुला। ये देखो, मैं लगा लिया हूँ, ब्लेड भी लगा लिया हूँ नया, और नया मोटर भी लगा लिया हूँ, सेंटर का नट भी उसका टाइट कर दिया हूँ। अब इसका करते हैं कनेक्शन। इसका एक कंडेंसर के नीचे रहता है 2 वायर, और ये कनेक्शन को नीचे ही आपको लेना है, ऊपर नहीं लेना है। ये देखो, ये 2 वायर इसमें जुड़ जाएगी, ये मोटर की वायर है, और ये कंडेंसर है। ये कंडेंसर आपका यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, इसको टेप से लपेट लेना है। देखो, अभी ये 2 वायर लेकर मैं इसको टेप से लपेट लेता हूँ। तो ये वायर है। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। देखो, ये मैं लगा लिया हूँ, और इसके बाद ये इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर आपको ऐसे ही लगाना है, कंडेंसर ऐसे टेप लगा लेना है इसको। ये देखो, ऐसी ये टेप मैं लगा लेता हूँ इसको। ये मैं लगा लिया हूँ, ये 2 वायर इसके, इसका कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। जो लाल वायर थी, वो लाल वायर मोटर की, इसमें दोनों लगा लेता हूँ। न्यूट्रल फेस अलग अलग इसको टेप मार देता हूँ। देखो, ये दोनों को अलग अलग टेप मारना है आपको। ये लगा दिया हूँ, ये दोनों का कनेक्शन कर लिया हूँ मैं। अभी ये 2 वायर बची है, ये पानी की मोटर की है, पंप की। ये पंप लेकर मैं इसको ये लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा छील लेते वायर को, ये छील लिया हूँ। अभी इसको भी ऐसा ही दोनों को ट्यूस कर लेना है, ट्यूस करके फिर इसको भी ऐसे ही टेप लगा लेना है आपको। दोनों को अलग अलग टेप लगाना है, एक साथ नहीं लगाना है आपको। देखो, ये दोनों को ये अलग अलग टेप लगा लेना है। अब इसको सीधा नीचे रख के ये टेप मार लेना है सबको, ये वायर को सही कर लेना है, और इसको सबको ऐसे ही लपेट कर वायर को अच्छे से टेप मार लेना है आपको। अभी इसके तीनों साइड लगा लेना है, मैं तीनों साइड लगा लेता हूँ, नट भी इसके टाइट कर लेता हूँ। ये एक साइड का नट मैं लगा लिया हूँ, नीचे का नट लगा लेता हूँ। देखो, अब ये उधर की साइड लगा लेता हूँ। ये इसी तरीके से आपको कूलर की तीनों साइड आपको ऐसे लगा लेना है। ये 2 फुट का कूलर है,
देखो ये ऐसे, ये नट मैं इसमें लगा लेता हूँ। ये मैं लगा के सब कंप्लीट कर दिया हूँ और इसको बेस के ऊपर ऊपर का जो कवर है इसका ये लगा लेते हैं। देखो ये पंप का है, ये पर छतरी है इसकी, इसको लगा लेते हैं। ये टाइट कर ले, ये हो चुका। अभी इसको ऐसे ही आपको लगा लेना है, इसको सही से ठोक के फिट कर देना है। अभी ये नट विट टाइट कर दिया मैं, अभी इसको चेक करते हैं। ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो स्टार्ट हो गया है।